उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रक्षाबंधन मनाने जा रहे मजदूरों के पिकअप वाहन को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत 29 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी मजदूरी करने वाले करीब 35 से अधिक मजदूर पिकअप से गाजियाबाद से अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली के गाँव रायपुर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहे थे। जैसे ही सलेम थाने के पास पहुंचे तो यहां तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक के दौरान पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। घायल 8 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि शेष 21 लोगों को जिला अस्पताल व निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हादसा इतना भयावह था कि बस की टक्कर के बाद पिकअप सवार लोग सड़क पर इधर उधर जा गिरे। हादसे के दौरान बस चालक भी बस के स्टेयरिंग में फंस कर बुरी तरह से घायल हो गया। बस ड्राइवर को भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक्सीडेंट की जानकारी जैसे ही मृतकों के परिजनों को और स्थानीय लोगों को पता चली, वो भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया और जाम खुलवाया। बता दें, सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक्सीडेंट में मैक्स यानी पिकअप वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वही मौके पर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।